फिजिक्स साइंस की मोस्ट बेसिक और सिग्निफिकेंट ब्रांच है और बीएससी फिजिक्स आफ्टर 12th किया जाने वाला एक पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में अवेलेबल है। इसीलिए अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है या फिर बीएससी फिजिक्स कम्प्लीट कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बीएससी फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद मिलने वाले करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें फर्दर स्टडी और जॉब दोनों ही शामिल है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फर्दर स्टडी ऑप्शन के बारे में। यानी बीएससी फिजिक्स के बाद अगर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखें और एमएससी फिजिक्स करें या फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री या जॉइंट एमएससी पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन ले तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। यानी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करके और आप चाहे तो आगे पीएचडी करके अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज को काफी बढ़ा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में होगी। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबिलिटी एमएससी होती है, तो ऐसे में उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एमएससी पीएचडी करके इसरो डीआरडीओ और वीएसएससी जैसे रिसर्च सेंटर्स तक आपकी पहुंच बन सकेगी और आपको मिलने वाली सैलरी भी बीएससी फिजिक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसीलिए अगर आप फर्दर स्टडी करेंगे तो अपने पसंद के फील्ड में अच्छी सैलरी और पोजीशन ले सकेंगे। एमएससी और पीएचडी करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आप आईआईटी जैम, एनईएसटी, जेईएसटी, आईआईएसईआर, टीआईएफआरजीएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। वैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी या जॉइंट एमएससी पीएचडी कोर्स करेंगे तो आपको करियर में बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगी, इसीलिए ट्राई जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो एमएससी के बाद एमफिल भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप टीचिंग, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बीएससी के कंपैरिजन में बेटर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स के बाद एमएससी के लिए कुछ स्पेशलाइजेशंस के नाम आपको बताते हैं जिनमें आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स, एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, एमएससी इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेटरी साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स, एमएससी इन पार्टिकल और न्यूक्लियर फिजिक्स, एमएससी इन जियोफिजिक्स, एमएससी इन मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एमएससी इन वैक्यूम साइंसेज, एमएससी इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। बीएससी फिजिक्स के बाद आपके पास कई डिप्लोमा और पैरामेडिकल कोर्सेज के ऑप्शंस भी खुले रहेंगे, जिनके जरिए शॉर्ट टर्म में आप किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन ले सकेंगे और ये उस एरिया में आपको अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटीज दिला सकेंगे। ऐसे ही कुछ कोर्सेज जिन्हें आप बीएससी फिजिक्स के बाद कर सकते हैं वो है सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी ओटीटी, पीजी डिप्लोमा इन एस्ट्रोनॉमी, पीजी डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीजी डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस और पीजी डिप्लोमा इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये तो बात हुई बीएससी फिजिक्स के बाद फर्दर स्टडी की, लेकिन अब आगे जानते हैं कि बीएससी फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, फिजिकल साइंसेज, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में वर्क करने वाली कंपनीज में फिजिक्स ग्रेजुएट की डिमांड रहती है और फिजिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद आप इन जॉब ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। लैब सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट और असिस्टेंट, स्पेस साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, रेडियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ट्रेजरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, मटेरियोलॉजिस्ट, लेक्चरर, कंसल्टेंट, रिसर्च हेड और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से फर्दर स्टडी और जॉब ऑप्शंस के बाद अब सैलरी का आइडियाज ले तो ट्रेजरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के रूप में आप 4 लाख पर एनम कमा सकते हैं, स्टेटिस्टिशियन के तौर पर एवरेज 4,50,000 पर एनम सैलरी पा सकते हैं और रिसर्च हेड की पोजीशन पर रहते हुए आपको एवरेज 3,30,000 पर एनम सैलरी मिल सकती है। और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर 9 लाख पर एनम की अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो बीएससी फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी में रिसर्च फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं या फिर बैंक एग्जाम्स, रेलवे, एमएससी और यूपीएससी जियो साइंटिस्ट जैसी सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में लेक्चरर बनने के लिए आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होगी और अगर आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करना चाहे तो बीएससी फिजिक्स के बाद आप इसरो, डीआरडीओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, न्यूक्लियर साइंस सेंटर और बीएआरसी में अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बीएससी फिजिक्स के बाद आपको कई सारे जॉब ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आप एमएससी और पीएचडी करके जॉब ऑप्शंस को चूज करेंगे तो आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस काफी सारे होंगे और आपको मिलने वाली सैलरी और पोजीशन भी काफी बेहतर होगी। इसीलिए अपनी रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट के बेस पर करियर प्लान बनाइए और सही करियर चूज करके प्रोग्रेस कीजिए। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी और आगे आप कैसे चूज करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, इसके लिए भी एक आईडिया आपको मिल गया होगा। वैसे इस टाइप के और भी कोई टॉपिक्स है, दिमाग में सवाल है तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें, और आपने ऑलरेडी लाइक कर लिया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए खास बात, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्विक सपोर्ट चैनल को ताकि आप ऐसी जानकारियां कभी भी मिस ना करें। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।